अस्सलामुअलैकुम। ये हम जमरोद बाज़ार पहुँच आए हैं और ये जामिया दारुल उलूम जमरोद बहुत पुराना जामिया है और ये जमरोद का बाज़ार। जमरोद बाज़ार काफ़ी रश है और नमाज असर का टाइम। सुबह हम तकरीबन 11 बजे पेशावर से लगे सदर कासम खान मस्जिद, मस्जिद महबूब खान, किस्सा खवानी बाज़ार और ये सब जगह यादगार चौक दिखाते दिखाते इस वक्त हम जमरोद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला खैर अफीद करे थोड़ी देर तक हम पहुंचने वाले हैं बाग खैबर। ये बिल्कुल सामने है बाग खैबर, बाग खैबर ये बिल्कुल सामने है बाग खैबर, हमारी आखिरी मंजिल। ज़ेर इस्तेमाल है ये बाग खैबर। फिर हम वापस होते हैं बाग खैबर की जानिब, वहाँ पे स्टे करके इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। ये बाज़ार है बाग खैबर का। तीनों हजरात ये बाग खैबर, ये हमारे गाइड बिलाल भाई, ये हम बाग खैबर पहुँच आए हैं उसके पास, आप पास आपको लेकर जाएंगे। सुबह हमने अपना सफ़र शुरू किया पेशावर से, पेशावर से होते हुए मस्जिद महबूब खान, यादगार चौक, ये साथियों की फरमाइश थी तो मैंने मौका गनीमत जाना और मैं और बिलाल भाई निकल गए बाइक पे। तो मुसलसल पेशावर से यहाँ तक हमने सफ़र किया, तकरीबन 3-4 घंटे हमारे लगे, जगह रास्ते में आपको हम बताते रहे। तो अब हम उसके पास जाएँगे इंशाल्लाह और ये सिख कम्यूनिटी के ज़ेर इस्तेमाल, वो बिलाल भाई दिखाइएगा वो किला था, अब पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है इंशाल्लाह, हमारा आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम बाड़ा अपनी रिहाइशगाह पे जाएंगे, फिर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ से आगे के जो इलाके हैं आपको विज़िट करवाएँगे इंशाल्लाह। देखते रहिएगा ज़िंदगी न्यूज़, मसबली उमेर, बालाकोट। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।